ये है फायर गार्ड का कन्वेंशनल पैनल और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके जो बेसिक फंक्शन है वो कैसे काम करता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसके एक्सिस जो कोड होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका जो एक्सिस कोड है 514 है, ये ऑलरेडी पैनल पर मेंशन किया हुआ है तो इसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, जोन लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइलेंस, अलार्म, बजर, यहाँ से हम अलार्म को साइलेंस कर सकते हैं, बजर को साइलेंस कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड में दिया हुआ है रीसेट सिस्टम, उसके बाद थर्ड में दिया हुआ है इवैक्यूएट। सेकेंड को अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो पैनल है वो रीसेट हो जाएगा, अगर अलार्म एक्टिवेट हुआ है उस टाइम पे सेकेंड को क्लिक करेंगे तो हमारा अलार्म जो है रीसेट हो जाएगा, हमारा पैनल रीसेट हो जाएगा। फिर थर्ड पे जो है इवैक्यूएट दिया हुआ है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो जो हमारा सिस्टम है वो इवैक्यूएट हो जाएगा, हमारा जितना भी बेल है, अलार्म बेल है, साउंडर है, वो स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आइसोलेट जोन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम जिस जोन को आइसोलेट करना चाहते हैं उस जोन को हम आइसोलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फाइव नंबर पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सिस दिया हुआ है, जिस टाइम पे हम एक्सिस कोड डालेंगे 514 उस टाइम पे लास्ट में जो है ये फिर एक्सिस बटन जो है हमको प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर दिया हुआ है 1 2 3 4, ये जो है अगर जिस जोन में फायर आएगा उस जोन में ये इसका इंडिकेशन जो है ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फायर और फोल्ड का नीचे दिया हुआ है, फायर का ऊपर दिया हुआ है, जिस जोन में भी फायर आएगा उस जोन में उस जोन का जो इंडिकेशन है ऑन हो जाएगा, और फोल्ड का भी अगर किसी जोन में फोल्ड है उस जोन का जो फोल्ड इंडिकेशन है ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अलार्म फोल्ड, प्रॉक फोल्ड, अर्थ फोल्ड, रिपीटर फोल्ड, सप्लाई हेल्दी, बैटरी फोल्ड, वन मैन टेस्ट, कंट्रोल एक्टिव। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा, सपोज अगर अलार्म फॉल्ट है उस टाइम पे इसका इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, प्रॉक फॉल्ट है, ये प्रॉक फॉल्ट का जो इंडिकेशन है अगर कोई भी फॉल्ट रहेगा पैनल में उस टाइम पे जो है इसका एलईडी ऑन रहता है। फिर अर्थ फॉल्ट है, अगर पैनल में अर्थ फॉल्ट रहेगा उस टाइम पे इसका एलईडी ऑन हो जाएगा। फिर रिपीटर फॉल्ट है, अगर रिपीटर में कोई फॉल्ट रहेगा उस टाइम पे ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद में सप्लाई हेल्दी है, यहाँ पे जो मेन जो पावर सप्लाई आता है उसका इंडिकेशन है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है इसलिए जो इसका ग्रीन इंडिकेशन आ रहा है। फिर बैटरी फॉल्ट है, ये देख सकते हैं अगर हमारा बैटरी अभी फॉल्टी है इसलिए अभी ये बैटरी फॉल्ट का इंडिकेशन ऑन है। फिर वन मंथ टेस्ट, अगर हम पैनल को टेस्ट में डाल देंगे उस टाइम पे जो है वन मंथ टेस्ट का इंडिकेशन जो है ऑन हो जाएगा। फिर कंट्रोल्स एक्टिव, जिस टाइम हम एक्सिस डालेंगे, एक्सिस करेंगे पैनल में, उस टाइम पे जो है कंट्रोल एक्टिव का जो इंडिकेशन है ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑक्सिलरी रिले का पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉल्ट का पॉइंट है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये फायर का पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ से क्लोज में मैं आपको दिखाता हूँ ले जा करके, ये देखिए ऑक्सिलरी फॉल्ट, ऑक्सिलरी फायर। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो है ये अलार्म केबल है, ये साउंडर का केबल है, यहाँ पे हम साउंडर का केबल कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये जोन का एरिया है, यहाँ पे जोन 1 2 3 4, ये फोर जोन का कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे केबल। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए ये रिपीटर का पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारे इस बिल्डिंग में रिपीटर नहीं है इसलिए ये रिपीटर का पॉइंट जो है ऐसे एम्प्टी है। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑक्सिलरी 24 वोल्ट का ये पॉइंट दिया हुआ है, अगर हम अलग से रिले लगाते हैं उस टाइम पे जो है यहाँ से हम उसको 24 वोल्ट वोल्टेज देते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है बैटरी का पॉइंट दिया हुआ है, 24 वोल्ट बैटरी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सेकेंडरी पॉइंट दिया हुआ है, ये जो है ये मेन पावर का केबल है, ये मेन पावर का पॉइंट है, यहाँ से जो है मेन पावर सप्लाई आता है ट्रांसफार्मर से होकर के यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई करता है देता है। फिर ये अर्थ फोल्ड अर्थ का केबल है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये बजर इनेबल का जो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे जंपर लगा हुआ रहता है इसलिए हमको बजर नहीं चाहिए, इसलिए जो है ये जंपर निकाला हुआ है। अगर बिल्डिंग में किधर भी फायर आया हुआ है उस टाइम पे अगर हमको पैनल को साइलेंस करना है, अलार्म बज रहा है उस टाइम पे अगर साइलेंस करना है, अलार्म को साइलेंस करने के लिए हमें पैनल को एक्सेस करना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक्सेस करने के लिए जो हमारा कोड है 514 उसको डालेंगे, उसके बाद एक्सेस पे क्लिक करेंगे ये हमारा पैनल एक्सेस हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप 5 1 and 4, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक्सेस कंट्रोल एक्टिव हो गया है, देख सकते हैं आप। एक्सेस करने के बाद अगर अलार्म बज रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा अलार्म साइलेंस हो जाएगा। अगर पैनल को रीसेट करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे रीसेट हो जाएगा, अगर फिर से इवैक्यूएट करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा अलार्म बेल जो है बजने लगेगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।